हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। गाइस होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सुबह सुबह आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। आज 14 अक्टूबर के दिन भी बहुत ज़्यादा पीपीआर्स ग्रांट हुई हैं। जैसे मैंने कल आपको पीपीआर्स की टाइमलाइन दिखाई थी, तो कल भी बहुत बल्क में पीपीआर्स ग्रांट हुई थी, वैसे ही 14 अक्टूबर के दिन भी बहुत ज़्यादा पीपीआर्स ग्रांट हुई हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप अपडेट्स को मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं पीपीआर की टाइमलाइन। ओके गाइस, ये पहली पीपीआर है। इन्होंने 25 अगस्त को अपनी फाइल लॉन्च की थी। सबमिशन कंफर्मेशन इनका सेम डे का है। बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आया था 26 अगस्त को, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको 14 अक्टूबर को रिसीव हुआ है। ओके, ये नेक्स्ट है। इन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की थी सेम 25 अगस्त को। मेडिकल इनका हुआ था 16 जुलाई को। बीआईएल इनको 26 अगस्त को, मतलब नेक्स्ट डे आया है। बायोमेट्रिक्स इनका 27 अगस्त को अपडेट हुआ है। मेडिकल और मेडिकल इनका 14 अक्टूबर को अपडेट हुआ है, एंड पीपीआर इनको 14 अक्टूबर को आई है। मतलब मेडिकल अपडेट होने वाले दिन ही इनको इनका पीपीआर ग्रांट हो गया है। ओके गाइस, ये एक और पीपीआर है। ये नॉन एसटीएस फाइल थी। फाइल लॉज इन्होंने की थी 14 अक्टूबर को 2020 को, मतलब वन ईयर पहले। 6.5 बैंड हैं, 5.5 है इनके स्पीकिंग में। CDI कॉलेज था इनका और वेब डिज़ाइन का कोर्स था। 23 सितंबर को मेडिकल रिक्वेस्ट आई एंड 14 अक्टूबर को इनको इनका पीपीआर मिल गया। ओके, ये नेक्स्ट है। ये भी 25 अगस्त की फाइल है 2021 की। सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे का है। बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आया, एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनको सेम डे 14 अक्टूबर को रिसीव हुआ है। ओके, ये एक और पीपीआर 27 अगस्त की फाइल लॉज है इनकी। सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे का है। नेक्स्ट डे इनको बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आया, एंड 14 अक्टूबर के दिन इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट दोनों रिसीव हो गए। ओके, ये एक और 27 अगस्त की पीपीआर है। सबमिशन कंफर्मेशन भी सेम डे का। नेक्स्ट डे इनका बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको 14 अक्टूबर को रिसीव हो गया। ओके, ये है एक। नवंबर 3, 2020 को इन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की थी। कंफर्मेशन सेम डे का है। नवंबर 5 को इनको बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आया। रिक्वेस्ट लेटर आई थी गाइज इनको जून 7 को 2021 को। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको 14 अक्टूबर को सेम डे पर ही रिसीव हुआ है। ओके, ये फाइल लॉज इन्होंने 29 अक्टूबर को की थी। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है ईयर को। बायोमेट्रिक्स 10 दिसंबर, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट 5 जून को। इन्होंने सबमिट किया 20 जून को। DLI चेंज किया था इन्होंने फ्रॉम CDI टू सेंट लॉरेंस, तो कॉलेज चेंज वाला केस है ये। रिव्यू स्टार्ट हो गया था 21 सितंबर को। BVL एंड PPR इनको 14 अक्टूबर को रिसीव हुआ है। ओके गाइज, ये है एक पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर है, ये PPR है, एंड ये 14 अक्टूबर को रिसीव हुआ है इनको PPR। एंड ये एक और PPR है, ये मॉन्ट्रियल की PPR है आफ्टर वन रिफ्यूज़ल। इनकी एक रिफ्यूज़ल के बाद ये PPR आई है। सेंट क्लेयर कॉलेज है, एंड PTE स्कोर पर इन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की थी विद 53 स्कोर। ओके, तो गाइज आपने जैसे देखा बहुत ज़्यादा PPRs हैं आज भी। तो होपफुली, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पहले वाली वीडियो में कहा था कि अब लगता है कि एम्बेसी की तरफ से काम जो है वो स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट वीज़ा पर। तो होप्स हो कि ऐसे ही रोज़ हमें बल्क में PPRs देखने को मिलें। तो गाइज़, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टिल देन गाइज टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ इन योर होम्स।